सनह पिते वसुनवे अग्ने सूपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। प्रभु आमर पिता परि सकल पदार्थ बिना प्रार्थना रे आमको प्रदान करिछंती, समस्त विश्व को ब्रह्मांड को उपहार स्वरूप आमको देइछंती। स्वस्ति पथरे जीवा पाई ईश्वरंकर नियम को पालन करंतु, जीवन को धन्य करंतु। प्रभु को एतिक प्रार्थना करंतु, प्रभुंकर आशीर्वाद हेले एहा सब किछि मिलि जीव। बालकमरे बोलकर राजरे अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मान को, समस्त दर्शक बंधु मान को मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुछि। ए परिचित पितामाता माने निजर पुत्रकन्या मान को आम भारतीय संस्कृति केते महान तांगु जणंत। रामायण महाभारत वेद उपनिषद एथिरे जो महान महान कथा सब अच्छे जीवन गठन सूत्र अच्छे तांगु जणंत। जी कर्म भल करे समाज ताकु सम्मान दिए, जी कर्म रे त्रुटि करे से जेड़े बड़े लोक होइतिले भी समाज ताकु केबे सम्मान दिए ना। हम पिलामानको एकता बुझेले से बुझंत नै, मु एई घरे जन्म होइछि, मो बापा एमिति, मु ताक बापांग परिचय रे कोन बंचिबि, आज अक्षम अछि बापांग परिचय रे बंचिबि, मु क्षम हेबि, मु मो परिचय रे बंचिबि, केवल मोर परिचय एपति सुंदर करिबि, मो बापा मा मो पई माने इति आनंदित हेबे जे कोइबे जाहु पुओ मोर ना रखिला। देखिबे आपण जेमिति मेट्रिक रे प्रथम श्रेणी पाइले किंवा भल पाठ पढ़िले प्रथम पाइले राष्ट्र राज्य जो प्रथम हो जाए पिला पचारे से कह बापमा दयारू एक बापमा छाती कुंडे मुठे हो जाए मो पु एक तेनाली पिला चरित्र सब शिखात। मुझे आपण को ये पाई कहूँ अत्यंत आमर ये पुरातन कथा धर्मराज युधिष्ठिर कथा, धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर शब्दटा को से सर्वदा निजर ना को प्रत्येक कर्म सफल कर। आजिकल भाया लोक ना नुहे पद्म लोचन देखा बेलू आखि नथिक बंधु रास्त चली पार नमि ना नुहे युद्ध स्थिर प्रत्येक परिस्थिति रे स्थिर प्रत्येक परिस्थिति विषम परिस्थिति आसु कठिन परिस्थिति आसु किंवा जंत्रणादायक परिस्थिति आसु सब परिस्थिति रे समान उद्विग्न नाही कि निज भितर मध्ये विभोर हो नथिले दुख जंत्रणा भितर जेमिति जेमिति मानसिक अवस्था सेमिति रहुथिला। ताकु तो मुनि कहते ना श्रीमद भगवद गीतार कहिले दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह बीत राग भय क्रोध स्थितधीरि मुनिरुच्यते। अज्ञातवासरे एकांत अवस्था रे आपण मैंने जानते अज्ञात अवस्था रे राजा पाखरे ये पशा खेल सहायता करुथिले युधिष्ठिर सैरिंद्री भाव ये रहुथिले भाई माने विभिन्न प्रकार पद पदवी में रहुथिले लुचिकी गोटे वर्ष केमिति कारण केमिति न जानंतु। एकांतरे थरे एकांतरे द्रौपदी युधिष्ठिर को पचारले कहले महाराज आपण भाई माने कौन करुछन देखुछन त आपण जो भाई माने बंदी मानंकर स्तुति सुनिला परे निद भांगुथिला से माने वनवास समय रे सियाळ मानंकर शब्द सुनिकि निद भांगिला जो भाई माने सब बेले खाद्य पदार्थ भितरे निजर जीवन निर्वाह करुथिले भोग माने अनेक प्रकार व्यंजन भितरे जीवन निर्वाह करुथिले से माने आज खाद्य बणर फलमूल खाई बंचुचंती सुंदर सुंदर वस्त्र पिंधिथिबा भाई माने वर्तमान वन्य जंतु भली वन्य प्राणी भली बंचुचंती पण आपण के कष्ट लागुनी आपण तो निजे कष्ट पाउचंती मु तो पत्नी भाव कष्ट सौची माँ तो कष्ट सौंती आप इतने राग क्रोध हो दुशासन प्रति दुर्योधन प्रति आप क्रोध सृष्टि होने कि उपादान आपण को प्रभु गठन कर जापारे निजर भाई मान दुर्दशा देखी निजर पत्नी ये दुर्दशा देखी माँ को दुर्दशा देखी आप क्रोध सृष्टि होने क्रोध सृष्टि हेले भी आपणकर असुविधा कौन आपड़ जदि क्रोध करेंगे ये दुर्योधन दुशासन आदि जो माने भाई माने जहाँ जहाँ करुछन्ति अत्याचार क्षण करे नष्ट हो कहीं ना अर्जुनंकर गांडीव धनुर शक्ति जेतेबेले उठिबो ताको पृथ्वीर कहारी
ना ही शक्ति कौ वीर एमती ना से धनुर सम्मुखीन हम भीम पाखे जो गदा अच्छी से गदा पाखे युद्ध करने लोक भयभीत हे नकुल सहदेव पाखे जो शक्ति अच्छी भविष्य कथा कहता सरचालन जहाँ जहाँ शक्ति सामर्थ्य अच्छी स्वयं आपण युद्ध करार जो कला अच्छी ए कौन आपने जय कर हारिजे कौन पर आप नीरव रोचे कौन पर आप क्रोध हो माने पत्नीर कथार बारंबार बारंबार शुणिला युधिष्ठ नीरव रे कि उत्तर दौना द्रौपदी कही चलुंट मुह को चाहिए कहले कौन कह चाह को भितर या समस्त प्रकार दुख जंत्रणा ये शब्द ही बाहरी आस देखुची आपण भाई मैंने कि दुखरे पड़ते जी एडे बड़ विद्वान एडे बड़ वीर से आज कौ कम करुच्चा देखिए आप क्रोध हो क्रोध बा पुरुषर भूषण जिते क्रोध पुरुषर भूषण बोली कहले युधिष्ठिर नीरव थे सब कथा शुणुले कारण कह युद्ध स्थिर विषम परिस्थिति रे निजर स्थिरता धैर्य को केवे नष्ट करती ना एक आमको युधिष्ठिर शिखे जीवन अनेक समस्या आसव जीवन अनेक दुख आसव अनेक जंत्रणा आसव किंतु निजर शक्ति सामर्थ्य धैर्य को विनाश करना जितेबले कहले पुरुषर भूषण हो क्रोध आप क्रोध करूना कहीं पुरुषर भूषण क्रोध कथा शुणी सारापर नीरव युधिष्ठिर कहले देवी सेतबले एपरी संबोधन नथिला आर्यपुत्र आर्यपुत्री बोली संबोधन करा जाउथिला देव देवी बोली संबोधन करा जाउथिला पत्नी पति को देव बोली कहते पति पत्नी को देवी बोली कहता बेले पत्नी पति को देव बोली कहते आर्यपुत्र आर्यपुत्री संबोधन करुले एक चिंतन करवा दरकार आर्यपुत्र जी अनार्य कम केमी करेंगे से संगे संगे कहले कहले देवी तुम्हें भावु क्रोध हूँ पुरुषर भूषण बोली तुम जाच क्रोध हूँ वैवस्वत मनु क्रोध वैवस्वत राजा जमंग भरी कार्य करे लोक भितर हिताहित ज्ञान को नष्ट कर दिए थरे क्रोध प्रवेश कले मनुष्य तार धैर्य तार सामर्थ्य को भूली जाए बहुत किसी शक्ति सामर्थ्य मो पाखे अच्छी किंतु मु सत्यर पुजारी असत्य मार्ग में जीवि ना मु मानुची राजा है पसा खेल मोर उचित नथिला किंतु मु कौन करी क्षत्रिय मत गोटे प्रतिपक्ष आह्वान दौची आसतु क्रीड़ा करवा खेल क्षत्रिय भाव युद्ध पर जड़े आह्वान दौची मु युद्ध नक केमी रही सेमती पसा खेल मु युद्ध बोली भावि मु सही आह्वान को स्वीकार कर नहीं थी मु भावि नथिली मामू शकुनि एभली भाव में आम मानू चक्रांत कर कष्ट दब बोली परवर्ती क्षेत्र में योगेश्वर कृष्ण आमर सहायता कले बोली आम अनेक विपद सीना रक्षा होती ता सत्वे मामू शकुनि ये जो व्यवस्था छलना कपट या द्वारा मत कष्ट भोग मु तुमको अपमान सब किछ मने अछि कहले मु बुझी परुने आज्ञा निजर पत्नी राजसभा रे उल्लंघन हला तमें कौन राजा भाव रे स्वामी भाव रे तुम मनरे कौन क्रोध टिके सृष्टि होनी से मानक पई कहले देवी मु कहली पा क्रोध भूषण नुहे क्रोध होउछि पुरुषर एक पतनर कारण हठात जने लोक क्रोधवशत आसीगले ता पाटीरु न कहितबा कथा कहि दिए अपशब्द प्रयोग हो जाए केवल अपशब्द प्रयोग हुए ना करू नथिबा काम मध्ये से करि दिए सम्मान दौथिया व्यक्ति को असम्मान करे जो मान पाखरे हाथ जोड़ूला तांको हाथ उठे दिए जो मान को आशीर्वाद दौथिला से मान को अभिशाप दिए तेणु क्रोध थरे प्रवेश कर देले मनुष्य हिताहित ज्ञान को नष्ट कर दिए द्रौपदी कहले कहीं आप नीरव बस जापारे आप मत बहुत बुझौंट कि मो भीतर जो जंत्रणा
ମୁଁ କ'ଣ ଚାହିଁବିନି ମୋର ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ହଉ, ମୋର ପତିଙ୍କର ଯଶ ବିସ୍ତାରିତ ହଉ, କେଉଁ ପତ୍ନୀ ଚାହେଁନି? ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତେ। ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିପାରନ୍ତେ? ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେ କଥା ସହିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଭାଇମାନେ, ଯୋଗ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ ଅନେକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ମିତ୍ର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଏକଥାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ? କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି? ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏଭଳି କଥାକୁ, ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ସିନା ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଭାବିବ ପତ୍ନୀ ଏକଥା କହୁଛି, ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ଭୂଷଣ, ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଏ କଥାରେ ବିଚଳିତ ହେବେ? କହିଲେ, ଦେବୀ, କ୍ରୋଧକୁ କେବେ ନିଜ ଶରୀରରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନା। ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ତମେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ 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 କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲଣି। କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ତମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାତବାସ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯିବ। ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଅଛି? ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଯଦି ଜ୍ଞାତ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ପୁଣି 12 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ ନେ ବନବାସ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାମ ନିଅ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭାବରେ ନାହଁ କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାବରେ ନାହିଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଯାହା କହୁଛ ବୁଝୁଛି, ମୁଁ କ୍ରୋଧ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୋଧ କରି ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିବି ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ, ଦୟା ହେବନି। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହୁଛ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ପୁରୁଷର ଭୂଷଣ ବୋଲି, ପୁରୁଷର ଭୂଷଣ କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ, କ୍ଷମା ହେଉଛି ବୀରର ଭୂଷଣ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ଭୂଷଣ। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି? କ୍ଷମା ହେବି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପିତା ଅସମର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯାହାଙ୍କୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା ବୋଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ କିଛି ରଖିଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ନେହ ଓ ଆମ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରହିଲା, ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ ଭଲ କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ନେହ ରହିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୁତ୍ରମାନେ ଭୁଲ କଲେ ବି ସେ ସମର୍ଥନ କଲେ, ଆମେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ନାହିଁ। ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନିଲେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି କରିଛେ, ବିଚ୍ୟୁତି କରିଛେ, ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତି ତ ପାହିଲାଣି, ସମୟ ତ ସମାପ୍ତ ହେଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏଇ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା, ପୁଣି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଫେରିପାଇବା। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକି ଆପଣ ମୋର ବେଦନାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଦେବୀ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ, କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୋର ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜସଭାର କଥା, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ନୀରବ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ନୀରବତା, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ପରିହାସ, ଦୁଃଶାସନର ଯେଉଁ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏସବୁ କିଛି ମୋ ମାନସ ପଟଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ରଖିପାରୁନି, ମୋ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି? ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବ ତାର ଦୁଃଖ କାହା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ? ମୁଁ ତ ପତି ପାଖରେ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି, ମୋ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ବି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ସହିବାର ସୀମା ଟପିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ତାର ଦୁଃଖ, ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାର ମାନସିକତାକୁ କାହା ପାଖରେ କହିବ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି, ମୁଁ ସେୟା ହିଁ କହୁଛି। ଧର୍ମରାଜ କହିଲେ, କହିଲେ, ଦେବୀ, ଏ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତାର କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିଯାଏ। କ୍ରୋଧବଶତଃ ଅନେକ କାମ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସେଥିରୁ ପାର ହୋଇଯାଇଛୁ।
अनेक कम से माने करी चंदे आम उपरे जत्तु घरे आमको मारिबा को चेष्टा करी चंदे मोर सान भाई को विष लड़ू दे चंदे खाइबा को तुम प्रति अत्याचार करी चंदे मु तल को मुह पति के धर्जर सहुताए मो भाई माने सही पारु न थांदी से माने निज को धिक्कार करू चंदे मु सब देखी किंतु मु क्रोध करी थिले जो महासमर सही समय रे हेई थांदा सेतेबेले अनेक निरीह लोक मानकर मृत्यु हेई थांदा ए निरीह लोक मानकर मृत्यु हबो नाही बोली धैर्य रे सहित अछि एवं ईश्वर को प्रार्थना करूछि जे दुष्ट मानकर दंड मिलु सेतिबे मु अपेक्षा करूछि ईश्वरंकर न्याय को मु जदि न्याय व्यवस्था कर देबे ईश्वरंकर न्याय कोन मिलिबो मु सेतिबे क्रोध करू नाही मु भी अनुरोध करूछि तमको भी क्रोध छाड़ी दियो परमात्मा पर अखंड विश्वास कर ईश्वर से पापी मान को निश्चित दंड देवे किंतु जेहेतु से माने मोर भाई मु दंड दे इतिहास रे केमिति लेखिबि जे सत्यर व्रत पालन करितिबा समस्त घात प्रतिघात सत्य भी स्थिर थिबा युधिष्ठिर निजर भाई मान को सोहस्त्र हत्या करथिले बोली परिस्थिति कोन आसीबो हम जाननी सेतळे युद्धर परिस्थिति आसीने यार परवर्ती क्षेत्र होउची पांचखंडी पड़ा मागिबा युद्ध हवा ईसु परवर्ती कथा ये अज्ञातवासर समय मु तुमको भी अनुरोध करुची देवी अनुरोध करुची तुम्हें मध्य मन गोटे क्रोध छाड़ी दियो ग्लानिक छाड़ी दियो जो समय ये जो कष्ट तुम जीवन को आसीथिला से भी आमको बहुत कष्ट देथिला मु भी धीरे 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 भूलुची प्रभु को प्रार्थना करुची जो मैंने काम करथिले ताको दंड मिलु मु ईश्वर को परे छाड़ी देछि तेणु तुम्हें मत ईश्वर पर भरोसा कर युधिष्ठिर बाणी शुणला द्रौपदी भाविले मुझे कहूँ गोटे प्रस्तर पाखे मुंड पिटिले मुंड फाटे सिना किंतु पत्थर केवे उत्तर दिए ना जिते चेष्टा कले भी तुम्हें उत्तेजित करना जिते चेष्टा कले भी तुम्हें केवे क्रोध परिप्रकाश देखिपार ना यही जड़े महात्मा होती युधिष्ठिर तुम्हें क्रोधर परिप्रकाश करने जेभली शब्द प्रयोग कले से कमी हे शांति खड़ग कैश्य किंकरी से दुर्जन शांति रूपक खड़ग जहाँ हाथ में अच्छी दुर्जन लोक तार कौन कर अतृणे पतितो बन्नी स्वयं साम्यति जदि नड़ा गदार निया पड़े से सीना जल प्रस्तर उपर पड़ा निआटा जल्द केमी से तो स्वयं निर्वापित हम द्रौपदी जिते उत्तेजित वाणी अन्न मान हे तो प्रभावित करे भीम को प्रभावित करे अर्जुन को प्रभावित करे कि युद्ध स्थिर सकल प्रकार विषम परिस्थिति जी युद्ध क्षेत्र में स्थिर रोते जिते क्रोध कहले सी कौन के चिंतन करेंगे क्रोधर वशवर्ती हे शेषर कहे देवी मु तुमको भी अनुरोध करुच्ची तुम्हें तुम भितर या ग्लानी को भूली जाओ ईश्वर को परे अखंड भरोसा रख ईश्वर केवे दुष्ट मान छाड़ी नहांती सर्वदा दुष्ट मान दलन करश्वर न्याय व्यवस्था भितर सन्थ केवे कष्ट सिना किंतु सन्थर केवे पराजय है ईश्वर न्याय व्यवस्था भितर दुष्टर दलन हम सन्थर पालन हम ये विश्वास ईश्वर पर रख युधिष्ठिर यही भावपूर्ण बाणी को शुणी सारापर द्रौपदी देखिले कहले मु रात्रि पाइबा को मात्र अल्प समय अच्छे वनवास अज्ञातवास आउ अल्प दिन पर समाप्त हम या परे आमे पुणी पूर्वावस्था फेरी पाइबू दंड मुक्त ही पुणी निज निजर शक्ति सामर्थ्य अनुसार आम राजगादी में बसबू परवर्ती अवस्था कथा कौन से पछ कथा कहले मु भावप्रवण ही आपण को कही पति भाव मनर ग्लानि क्या पाखे कह मो भितर धर्जर बंध भांगी जाइला मुखे कही किंतु आपण क्रोध कर समाज में बहुत क्षति होता मो कथा को शुणी सारापर भी आप क्रोध करना आपण प्रति थिबा मोर भक्ति द्विगुणित हो गला बंधुगण अनेक समय पत्नी माने पति को पति माने पत्नी को अत्यधिक उत्तेजित भाषा कहते अर्थ कथा हूँ पड़सा लोकटा तुमको कहला तुम नीरव बस शुण कौन तुम देह रक्त नाई यही भाषा शुणिले क्रोधान्वित हो पतिटी अनेक कम करने गला
जो क्षति हो जाए से क्षतिर भरणा करी हुए ना। तेणु पतिपत्नी जीवन रे बाप माँ भाया तुम जो पिला जो बाप माँ अच्छा एम जीवन में एपड़ किसी कम करना जहाँ को अन्य जन को बिना कारण उत्तेजित करद धैर्य सहनशीलता यही गुण गुड़ी आहरण कर। द्रौपदी निजर त्रुटि बुझीपारे कहे पतिदेव मोर आत्मग्लानी को मु भूली जावाक चेष्टा करुच्ची ईश्वर पर अखंड भरोसा रखुच्छी न्याय व्यवस्था जहाँ हम ताकू निजकु मुंडपाती सही नवा आपण जमी सही नौ आम सही नवा अन्न भाई मानू बुझेदेवी से नीरवर सही जातु अक्षय हो पुण्य जगते धर्मर हो जो जो गांधारी वाक्य निश्चित धर्मर जय हे अधर्मर क्षय हे यह ईश्वर विधान अनुसार केवे बदल जा विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुचु। ये अध्याय को समाप्त करने पूर्व आज महत्वाणी संपर्क चिंतन करवा ईश्वर न्याय व्यवस्था उपरे पूर्ण भरोसा रखत ईश्वर केवे पापी मान को उत्साहित करते ना किंबा संत मान को केवे दंड दिये ना न्याय व्यवस्था संत पालन और दुष्ट दलन अच्छी विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुच्ची समस्त। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।